ने पूछताछ के दौरान अपने साथियों के नाम बताए हैं, लेकिन हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। जिमने रात में रेकी की थी, ये तो सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को मिल गया है, और बाकी जो जानकारियाँ उसने बताई है उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बताए अनुसार तो घटनास्थल के पास में ही उसने मकान की खिड़की से साइड में फेंक दिया था, जहाँ काफ़ी सारा घास है बड़ा बड़ा, तो कल उसमें तलाशी कराई गई थी, वहाँ पर नहीं मिला है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता चेतन सहनी की हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और एक मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले में क्या है अपडेट, हमारे साथ बात करने खुद मिथिला क्षेत्र के डीआईजी हैं बाबू राम, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये बताइए कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ मुख्य अभियुक्त है, क्या लगता है कि पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक ही अभियुक्त होंगे और भी इसमें अंदर है? नहीं, काजिम अंसारी ने पूछताछ के दौरान अपने साथियों के नाम बताए हैं, लेकिन हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ हद तक हमारे पास जानकारी उनके ख़िलाफ़ में है, कुछ और पॉइंट्स पे जानकारी जुटाई जा रही है, हम चाहते हैं कि पुख्ता सबूत के साथ ही निर्णय लें। एक नाम और सामने आ रहा है, पुलिस सूत्रों से ही ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद सितारे उसके साथ थे और भी तीन लोग थे, तो क्या टोटल कितने लोग अभी आपके हिरासत में, और क्या ये माना जाए कि जो हिरासत में हैं वही गिरफ्तार होंगे? नहीं, हिरासत में जो लोग थे कल उनको पीआर बाउंड पे छोड़ दिया गया था, उनको फिर पुनः आज पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दोबारा उनसे पूछताछ की जाएगी। और इसने तो कुछ लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन वो नाम हम लोग तभी सार्वजनिक करना चाहेंगे जब उनके खिलाफ़ में हमारे पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाएं, और उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। ये माना जा रहा है कि जो रैकी पुलिस करे कि रैकी किया गया था पहले, उसका देर बजे रात में हुआ, तो क्या ये काजिम माना है कि उसके साथ कितने लोग गए थे, बाकी वो रैकी किया गया था सीसीटीवी में जो दिख रहा है? काजिम ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, अन्य सबूतों तथ्यों के साथ मिलान करके उसको चेक कर रहे हैं कि कितना सही है। और काजिम ने रात में रैकी की थी, ये तो सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को मिल गया है, और बाकी जो जानकारियाँ उसने बताई है उन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही आप लोगों को और विस्तृत जानकारी देंगे। टोटल कितने लोग अंदर प्रवेश किए थे, क्या जानकारी काजिम ने दिया है कि इनके साथ क्या थे, और क्या हत्या के नियत से ही सीधा ये गए थे, और जो हत्या किया गया था तो कोई हथियार कहाँ से ये लोग लाए? पहले हम लोगों ने जिन लोगों को डिटेन किया था वो 10 से 11 के बीच में चार लोग अंदर गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने पहले पूछताछ की थी, उसके बाद फिर काजिम के बारे में जानकारी मिली तो काजिम को पूछताछ की गई, फिर धीरे धीरे मामला खुल गया तो काजिम ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, हथियार के बारे में बताया, जहाँ फेंका है वहाँ तलाशी कल की गई तो हथियार मिला नहीं, उसे पुनः रिमांड पर लेके पूछताछ की जाएगी, तो अभी बहुत सारे बिंदुओं पे काम होना बाकी है जिन पे टीम लगी हुई है। क्या था सर, कोई आंस भी था या फिर चाकू ही लेके ये लोग? तेज़ धारदार हथियार उसने चाकू ही बताया है, लेकिन वो चाकू भी कई तरह के चाकू होते हैं, तो उसमें अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली कोई तेज़ धारदार हथियार है जो चाकू टाइप का है। कहाँ फेंका था ये बताया? उसके बताए अनुसार तो घटनास्थल के पास में ही उसने मकान की खिड़की से साइड में फेंक दिया था, जहाँ काफ़ी सारा घास है बड़ा बड़ा, तो कल उसमें तलाशी कराई गई थी, वहाँ पे नहीं मिला है, तो उसमें दोबारा पूछताछ में हो सकता है कुछ नई चीज़ सामने आए। एक बड़ा सवाल ये है सर कि घटना घर के अंदर जिस हिसाब से हुई थी तो चीख पुकार भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट वहाँ दिख रहा होगा स्वाभाविक तौर पर, तो क्या अगल बगल के लोग को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? लोगों ने तो कुछ बताया नहीं, आसपास के लोगों ने कुछ नहीं बताया है। ये संभव है कि रात में 1:30 बजे एरिया सुनसान होता है, सब लोग अपने घरों में सो जाते हैं, तो और वो घर में अकेले ही थे, कोई और घर में था नहीं, और ये संभावना है कि क्रिमिनल एक से ज़्यादा थे तो उनको काबू कर लिया होगा, और हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ की भी हो तो लोग उन पड़ोसियों तक ना पहुँच पाई हो, ये भी हो सकता है। पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी क्या दर्ज हुई, कितने लोगों पर दर्ज हुई, क्या दर्ज हुई? प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है, अब जो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, और इसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके आगे के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। आखिरी सवाल सर, कब तक आखिर पूरे मामले का खुलासा जाएगा और अपराधी जेल के अंदर? देखिए, समय सीमा तो निश्चित करना मुश्किल है, लेकिन ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही, हो सकता है 1-2 दिन में, हो सकता है 1 वीक में ये काम, मुझे उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। एक और सवाल सर कि जो लेन देन और सूद ब्याज का मामला चल रहा है, क्या काजिम के ही साथ सिर्फ हुआ था या नहीं, ये उनका धंधा था, व्यापार था? जो अलमारी से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें तो कई ऐसे कागज़ हैं जो पैसा उधार देने का, ब्याज पे पैसा देने का, जिसमें प्रमाणित हो रहा है, बाकी और सभी तथ्यों की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम, जिन्होंने बताया कि फिलहाल एक को लिया गया है और इसमें पुलिस फूक फूक के कदम रख रही है, जल्दी बाकी जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी तय है। प्रहलाद कुमार।